नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियोस में हम आपसे बात करेंगे दोस्तों आयुष्मान कार्ड के बारे में। दोस्तों आपके भी आयुष्मान कार्ड पर ABHA नंबर लिखा आ रहा है दोस्तों, तो इसी के बारे में दोस्तों चर्चा करने वाले हैं कि ABHA नंबर के आपको फायदे क्या हैं, नुकसान क्या है। आपको दोस्तों पता होगा अब ABHA नंबर जो है आयुष्मान कार्ड से लिखा आने लगा है कुछ दिन से, और पहले काफ़ी दिन पहले दोस्तों आयुष्मान कार्ड पर ABHA नंबर लिखा नहीं आता था। उसके बारे में दोस्तों काफ़ी कमेंट भी आया, तो मैंने सोचा इसके ऊपर वीडियो बनाया जाए, काफ़ी सभी लोगों को बताया जाए कि ABHA नंबर के फायदे क्या हैं, नुकसान क्या है, अब ये ABHA नंबर सभी के आयुष्मान कार्ड पर लिखा क्यों आता था, मतलब आने लगा पहले क्यों नहीं आता था। चलिए शुरू करते हैं, डिटेल में समझाते हैं। वीडियो काफी ज्यादा छोटे होने वाला है लेकिन जानकारी आपको पूरी मिलने वाली है। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना क्योंकि तुम्हारा हुआ दोस्तों यहाँ पे जन्म वीडियो लाता रहता है। चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताते हैं कि आपके आयुष्मान कार्ड पर ABHA नंबर लिखा क्यों आता है, इसके फायदे क्या है। देखिए दोस्तों अब आपके आयुष्मान कार्ड पर ABHA नंबर इसलिए लिखा आता है, आपको बता दोस्तों कहीं पर आप कोई भी का ट्रीटमेंट करवाते हो, कहीं पर कोई भी इलाज कर पाते हो, तो वहाँ पर दोस्तों आपको दवाइयाँ मिलती हैं, जैसे मतलब काफ़ी प्रकार की दवाइयाँ मिलती हैं, अलग अलग प्रकार की दवाइयाँ मिलती हैं और दवाइयाँ का पर्चा वगैरह मिलता है। तो पर्चा दोस्तों जैसे मान लो खो जाते हैं, दवाई भूल जाते हैं, तो अगले दिन नेक्स्ट दिन दवाई आपकी चेंज हो जाती है और जो वो दवाई नहीं मिल पाती, कभी कभी ऐसा हो जाता है दोस्तों। तो ABHA नंबर दोस्तों इसीलिए है, जो भी आपको दवाइयाँ मिलेंगी, जो भी आपको ट्रीटमेंट, जितनी भी दवाइयाँ खर्चा आएगा, तो वहाँ पर ABHA नंबर डालकर पूरा ब्यौरा आपका जो भी है सेव कर दिया जाएगा, जिससे नेक्स्ट टाइम आप कोई भी मतलब दवाई लेने जाओगे उसी इलाज की, मतलब उसी ट्रीटमेंट की, तो वहाँ पर आपको दोस्तों ABHA नंबर डालकर पूरा ब्यौरा दिखा दिएगा कि आपने पिछली बार जो भी है कौन सी दवाई ली थी और कौन सी दवाई आप इसमें इस्तेमाल कर रहे हो। तो इसीलिए जो भी ABHA नंबर अब आयुष्मान कार्ड में जोड़ा गया है, और आपको बताऊँ आयुष्मान कार्ड के फायदे ये हैं, रिलेटेड कोई भी ट्रीटमेंट, कोई भी दवाइयाँ करवाते हो तो वहाँ पर आपको दवाएँ मिलती हैं, और इसीलिए ABHA नंबर दोस्तों जोड़ा गया है। इसके यही दोस्तों बेनिफिट्स हैं, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स यही है कि पर्चा वगैरह अब आपको रखने की कोई भी जरूरत नहीं है, सब डाटा रिकॉर्ड है वो आपके ABHA नंबर पर ही सेव होगा। आपको बताओ यही ABHA कार्ड काफ़ी दिनों से मतलब सरकार बनवा रही है, काफ़ी लोगों ने बना भी लिया था, अब डायरेक्टली यहाँ पे ऑप्शन भी मतलब जो भी नंबर भी आने लगा है दोस्तों, इसीलिए अब आयुष्मान कार्ड के ऊपर ABHA नंबर लिखा आ रहा है, पहले लिखा नहीं आता था। समय समय पर आपको दोस्तों अपडेट होता रहता है, आपको पता होगा इसके यही फायदे हैं दोस्तों। इसके नुकसान के बारे में बात करें तो इसके दोस्तों नुकसान तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसमें दोस्तों आपको फायदा ये नुकसान वाली क्या बात है, जब कई बार दवाई लोगे तो मतलब रिकॉर्ड आपका सेव होता रहेगा, आपका ही फायदा रहेगा, और यहाँ पर आपको मतलब जो भी है बेनिफिट्स आपको इसीलिए दोस्तों जो भी है ABHA नंबर अब हर कार्ड में जुड़ा आता है, चाहे आप लेबर कार्ड से बनाओ मतलब आयुष्मान कार्ड, चाहे आप लिस्ट के द्वारा बनाओ, चाहे अंतोदय राशन कार्ड से बनाओ, चाहे पुराना वाला दोस्तों जो भी अपना आयुष्मान कार्ड डाउनलोड करो, चाहे न्यू बनाओ, आपको ABHA नंबर अब जरूर लिखा मिलेगा, हर एक कार्ड पर लिखा मिलेगा, पहले लिखा नहीं आता था, इसीलिए अब अपडेट हुआ अब लिखा आने लगा है दोस्तों। तो आशा करता हूँ अब आपको समझ में आ गया होगा कि आयुष्मान कार्ड के ऊपर ABHA नंबर क्यों आता है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसीलिए सरकार ने क्यों जोड़ा है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल गई होगी दोस्तों। अगर अभी भी कोई डाउट है, कोई भी कन्फ्यूजन दोस्तों आपको आयुष्मान कार्ड से रिलेटेड लग रहा है, तो आप कमेंट जरूर करना। तो फिर मिलेंगे हम किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, जब तक थैंक यू सो मच।